बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिली चिकन पराठा रोल बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो चलिए आइए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैं 2 से 3 खाने के चम्मच तेल ले रही हूँ। 2 किलो मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है और उसको मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। 2 चाय के चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। मैं चूंकि स्पाइसी बना रही हूँ इसलिए 4 चाय के चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपने नॉर्मल बनाया तो इसके अंदर 3 चाय के चम्मच मिर्च डालिएगा या फिर अपने हसबे जायका डालिएगा। 2 चाय के चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 3 खाने के चम्मच इसमें मैं लीमू का रस डाल रही हूँ, आप चाहें तो सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चाय का चम्मच ये ऑरेंज रेड फूड पाउडर डाल रही हूँ। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और कवर करके तब तक कुक करूँगी जब ये चिकन हमारा फुली रेडी हो जाएगा, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। पानी डालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, चिकन अपना पानी छोड़ेगा तो उसी में ही कुक हो जाएगा, क्योंकि जो ये बोनलेस चिकन है बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो बस फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। बीच में मैंने इसमें एक बार चम्मच मार दिया था, यानी कि चिकन भी गल चुका है। तो मैं इसकी आग तेज़ करके सारा पानी खुश्क कर लेती हूँ। तकरीबन 15 मिनट लगे हैं, 15 से 20 मिनट, और ये पानी खुश्क हो चुका है अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच डार्क सोया सॉस डाल रही हूँ। ये थिक सॉस होती है, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल वाली है तो तकरीबन 2 से 3 चम्मच आप इसमें डालें। 4 खाने के चम्मच मैं इसमें स्वीट चिली सॉस डाल रही हूँ। 2 खाने के चम्मच इसमें मैं कैचअप डाल रही हूँ। 1 छोटे साइज की शिमला मिर्च ले रही थी, उसको मैंने बारीक स्क्वायर कट कर लिया है, ये डाल दूंगी। और 1 से 2 मिनट मैं इसको बस कुक कर लूंगी और ये जो हमारा चिकन है ये रेडी हो जाएगा। शिमला मिर्च डाल के इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च जो है किसने से इसका क्रंच बाकी रहे, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा कुक कर लेंगे तो उसका जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा। 1 से 2 मिनट मैंने इसको तेज़ आग पर कुक कर लिया और ये चिकन हमारा रेडी हो गया। यहाँ पर इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं 1 कप दही ले रही हूँ। दही मैं गाढ़ा यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास पतला हो तो आप थोड़ी देर उसको छाननी में डालकर या किसी कपड़े में डालकर लटका दें, जब इसका पानी निकल जाए तो तब आप इसको यूज़ करें। थोड़ा सा मैं इसके अंदर हिमालयन नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 क्यूब ग्रीन चटनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं लास्ट ईयर के रमदान वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये मैं डाल दूँगी, इसको थोड़ी देर रहने देंगे तो ये खुद बहुत पिघल जाएगा। 1 खाने का चम्मच मैं केचप इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको बस मिक्स कर लेंगे और ये हमारी सॉस रेडी है। अब मैं इसके लिए पराठे रेडी कर लूँगी। आप चाहें तो फ्रेश पराठे बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रोज़न पराठे यूज़ कर रही हूँ और फ्रोज़न पराठे की वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर रोल रेडी कर लेते हैं। तो मैं ये एक पराठा ले रही हूँ, उसमें हस्बे ज़रूरत चिकन डालूंगी, ये जो सॉस रेडी की थी ये डाल दूँगी, अनियन स्लाइसेस, थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी इसके ऊपर, ये ऑप्शनल है, थोड़ी सी चिली सॉस और हरा धनिया। बस इसको रोल कर लेंगे। ये देखें, ये हमारा चिकन चिली पराठा रेडी है, बहुत ही मज़ेदार। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस सही मुस्लिम से ली गई है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी इंसान के घर से गैर हाजिरी का ज़माना ज़्यादा हो जाए, यानी इसको सफ़र में ज़्यादा दिन लग जाए, तो वह अचानक रात को अपने घर ना जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।